किया। रोहन सामना करेंगे विवेक का। विवेक बॉलिंग डालने के लिए तैयार और सामना करने के लिए तैयार है रोहन। स्कोर 16, एक रन पर 16। एम्पायर का इशारा व्हाइट। दौड़ते हुए गई और 4 रन इकराम को। आप सभी दर्शकों का स्वागत है एलाइट स्कूल लीग 2018। कुछ तकनीकी के कारण हम सुबह इसे लाइव दिखा ना पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो। विवेक तैयारी में है बॉल डालने के लिए और इकराम सामना करने के लिए। लेग पर बॉल डाल दी और उन्होंने लेग पे उठाकर घुमा दिया बॉल चौके की। 4 रन और क्रेसिडेंस हाई स्कूल के खाते में। और स्कोर हो गया 29 पर कोई विकेट नहीं। ये दूसरा ओवर चल रहा है और दूसरे ओवर में 3 वाइड्स दे चुके हैं विवेक ने। इकराम सामना करने के लिए तैयार। विवेक ने बॉलिंग डाली, फॉरवर्ड आया और स्ट्रेट ड्राइव कर दिया 4 रन के लिए।
चार रन लास्ट बॉल थी और फॉरवर्ड आकर उन्हें स्ट्रेस ड्राइव कर दिया चार रन के लिए। Largest healthcare chain in the Gulf and growing in India, Asta DM Healthcare. We'll treat you well. High school. अच्छी तरह से बल्लेबाज कर रहे हैं इकराम और रोहन। उनका स्कोर हुआ है 33 बिना विकेट खोए। नए बॉलर आए हैं पृथ्वी सिंह, नए बॉलर पृथ्वी, फील्ड चेंज कर रहे हैं। रोहन सामना करेंगे पृथ्वी का। पृथ्वी बॉलिंग डालने के लिए तैयार। अच्छी बॉलिंग, फुल टॉस, लेकिन स्टंप से थोड़ी दूर होकर चली गई। बैट्समैन ने कोशिश की उसे स्वीप करने की, लेकिन पैर पे लगी और एक लेग बाय रोहन को, रोहन के खाते में तो नहीं आया, लेकिन एक्स्ट्रा स्कोर में एक रन का और क्रेडेंस को फायदा। बहुत ही शॉर्ट पिच उठा दिया ऊपर से और बॉल जा रही है चार रन के लिए। लेग साइड में अच्छी तरह से घुमा दिया और चार रन। तीसरा ओवर चल रहा है। केडिसन हाई स्कूल का स्कोर इस समय 38-39 फॉर नो लॉस। फिर लेग पे बॉल दे दिया और एम्पायर का इशारा वाइट, एक रन और क्रेडेंस हाई स्कूल का टोटल स्कोर हुआ है इस वक्त 40 पे बिना खोए कोई विकेट। और ये तीसरा ओवर चल रहा है। पृथ्वी बॉलिंग फिर लेग पर उन्होंने डाल दिया और एक और वाइड का इशारा। काफी वाइड डाल रहे हैं बॉलर। इनको वाइट को कंट्रोल करना होगा, स्टंप पर बॉल डालना होगा। शॉर्ट पिच बॉल और उठा दिया बॉल, फील्डर के ऊपर से चली गई चार रन के लिए। टोटल स्कोर 44 रन पर बिना विकेट खोए क्रेडेंस हाई स्कूल। क्रेडेंस 44 फॉर नो लॉस। पृथ्वी ने बॉलिंग डाली और शॉर्ट पिच और फिर घुमा दिया फील्डर के ऊपर से चार रन के लिए। 48 रन क्रेडेंस हाई स्कूल का बिना विकेट खोए। रोहन और इकराम अच्छी तरह से खेल रहे हैं। पृथ्वी बॉलिंग डालने के लिए तैयार। इकराम सामना करेंगे पृथ्वी का। पृथ्वी ने बॉलिंग फेंकी, फुल टॉस बॉल मिडल स्टंप पे था, लेकिन घुमा दिया लेग की तरफ इकराम ने चार रन के लिए। तीसरा ओवर चल रहा है, लास्ट बॉल है और स्कोर 52 रन हो गया, 52 फॉर नो लॉस।
अच्छी बॉलिंग और मिस हो गई, विकेट कीपर स्टम्प न कर पाए, हाथ से बॉल छूट गई। अगर हाथ में होती बॉल और स्टम्प कर देते तो रोहन आउट हो जाते, रोशन आउट हो जाते। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों जमे हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं मुझे, और अच्छी पार्टनरशिप। 52 रन बिना कोई विकेट खोए, अच्छी भागीदारी। जेम विंचेस्टर स्कूल के बच्चों की तारीफ करनी होगी, छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं लेकिन अच्छी तरह से खेल रहे हैं और दिल से खेल रहे हैं। पहली बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाइड बॉलिंग थी और एम्पायर का इशारा भी वाइड पर गया, सो एक रन और उनको मिला। और एक चौका, बॉलर है विवेक, स्कोर हो चुका है 58-58 बिना खोए विकेट। बॉल घुमा दी है ऑफ साइड की तरफ और एक रन, 59 फॉर नो लॉस। शॉन बॉलिंग डाल रहे हैं और सामना करने जा रहे हैं रोशन। शॉन बॉलिंग डालने के लिए तैयार, ऑफ साइड के बाहर और अंपायर का इशारा देखना है कि ये वाइड है। फील्डर ने बाउंड्री लाइन के अंदर ही बॉल रोक दी और बॉल वापिस, हाँ जी, एम्पायर का इशारा वाइड। सिर्फ एक बैट्समैन ने शायद रन नहीं ली और एक रन। स्कोर इज 61 फॉर नो लॉस। घुमा दिया लेग की तरफ लेकिन फील्डर अच्छे थे, उन्होंने रोक दी बॉल को पृथ्वी ने और विकेट कीपर के हाथ में बॉल, एक रन। शॉन बॉलिंग डाल रहे हैं, ऑफ स्पिन दिया और रोशन ने अच्छी तरह से लग की ओर घुमा दिया लेकिन फील्डर ने बाउंड्री लाइन के अंदर ही रोक दिया। इस तरह से उनको सिर्फ एक रन मिला, टोटल हो गया है 63 बिना कोई विकेट खोए। अच्छी तरह से बैट बल्लेबाज कर रहे हैं रोशन और इकराम। इस वक्त इकराम सामना करेंगे शॉन का, अच्छी बॉल मिस हो गई और विकेट कीपर के हाथ से बॉल छूट गई और फर्स्ट स्लिप पे जाकर बॉल कलेक्ट किया गया और इसके साथ ओवर की समाप्ति।
चार ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट खोए क्रेडेंस हाई स्कूल का स्कोर 62। फरहान जो कैप्टन है ये दूसरी ओवर फेंकने जा रहे हैं और सामना करेंगे रोशन। फरहान बॉलिंग डालने के लिए भागे, बॉलिंग उन्होंने छोड़ी और फुल टॉस लेग की तरफ और अंपायर ने 22 का इशारा दिया और रोशन अलीकाम ने एक रन ले लिया। दो वाइड चौसठ रन बिना विकेट खोए क्रेडेंस हाई स्कूल। फरहान फील्डिंग फरहान बॉलिंग डाल रहे हैं, शॉर्ट पिच बहुत डाली और बैट्समैन ने उठा दिया स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की तरफ और फील्डर ने मिस फील्ड की और ये चार रन। बेहतरीन शॉट, फील्डर इसे रोक सकते थे बॉल को लेकिन झुक नहीं पाए ज्यादा और बॉल उनके हाथ के नीचे से निकल गई चार रन के लिए। फुल टॉस बॉल एंड ही स्क्रीन बोल्ड, अच्छी बॉलिंग फरहान की, फुल टॉस स्टंप पर बैट्समैन उसे क्रॉस बैट की खेलने की कोशिश की और बल्ले से न लगने के बाद सीधे स्टंप पे एक विकेट उनका गिर गया है। स्कोर इस वक्त 69 पर एक विकेट। अच्छी बॉलिंग, अच्छा प्रदर्शन बॉलिंग का, फुल टॉस मिडिल स्टंप पर बैट्समैन क्रॉस बैट खेलने की कोशिश की और बॉल बल्ले से चूक गई और सीधा मिडिल स्टंप पर। अच्छी बॉलिंग, अच्छा प्रदर्शन। इमरान की अच्छी बल्लेबाजी, 20 बॉल में 47 रन बनाए, 20 बॉल में 47 रन। अगले बल्लेबाज रोमन, सामना करेंगे फरहान कप्तान। माफ कीजिएगा थोड़ी सी गलती हो गई थी, बैटिंग विंचेस्टर कर रहे हैं, कैडिसन टॉस जीते और फील्डिंग कर रहे हैं। अच्छी बॉलिंग डाली थी, स्ट्रेट ड्राइव किया उन्होंने और एक रन रोमन को मिला। फरहान बॉलिंग डाल रहे हैं, बैट पर एंड मेरे ख्याल से अपील लेकिन अंपायर का इशारा नहीं पर। अच्छी बॉलिंग फरहान इस वक्त अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, रोशन बीट हो गए, खेलने की कोशिश की लेकिन बल्ले पर न लगने के बाद पैट पर लगी लेकिन बॉल बाहर जा रही थी। फरहान की बॉलिंग अच्छी बॉलिंग मिल रही, फिर बच गए, बीट हो गए। अच्छी बॉलिंग फरहान की, बॉल थोड़ी सी उठी मारने की कोशिश की लेकिन पैट पर लग गई और फिर से बीट हो गए। और
Largest healthcare chain in the Gulf and growing in India, Asta DM Healthcare. We'll treat you well. स्ट्रेट बॉल बैट्समैन खेल न पाए और कोई रन नहीं. रोमन सामना करेंगे. रागन को लेग स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेग पे डाला लेकिन टर्न न होने के कारण बैट्समैन ने लेफ्ट की तरफ घुमा दिया, लेकिन फील्डर के हाथ में सीधी बॉल आई और एक रन उन्हें मिला. राघव बॉल डाल रहे हैं, अच्छी बॉल ऑफ समय लेकिन वाइड वाइड अंपायर का इशारा. राघव ने ऑफ स्टंप पर बॉल डाली लेकिन वाइड बॉल चली गई और अंपायर ने उसे वाइड करार कर दिया. रोशन सामना करेंगे राघव का. ऑफ में बॉल डाल दी, थोड़ी शॉर्ट पिच थी, बॉल उठी लेकिन बल रोशन ने घुमा दिया लेफ्ट की तरफ और मिस फील्डिंग. चार रन मिस फील्डिंग के कारण उन्हें चार रन मिल गया, चार रन का फायदा हो गया. वक्त 81 पर एक विकेट. राघव बॉलिंग डाल रहे हैं, सामना कर रहे हैं रोशन. लेग साइड पे बॉल चली गई और अंपायर का वाइड का इशारा. जेम्स विंचेस्टर का स्कोर 82 पर 1. एक विकेट इकराम का गिरा, 47 रन बनाए 20 बॉल पर. राघव ने फिर बॉलिंग फेंकी ऑफ स्टंप पे और स्ट्रेट बॉल गई फील्डर के हाथ में नॉन लॉग ऑन पे और एक रन रोशन के खाते में. रोमन इस वक्त फेस करेंगे, सामना करेंगे राघव का. राघव भागते हुए बॉलिंग डाल रहे हैं, लेग पे बॉल गई और एम्पायर का इशारा वाइड. 84 रन पर एक विकेट. राघव ने दौड़ शुरू करी बॉलिंग डालने के लिए, बॉलिंग अच्छी टॉस कर दी लेकिन लेग पर थी और उन्होंने लेग पर घुमा दिया एक रन के लिए. एक रन रोशन के खाते पे. जेम्स विंचेस्टर का स्कोर 85, एक विकेट खोकर. पहला विकेट इकराम का गिरा. अच्छी बॉल एंड स्किल बॉल, अच्छी बॉल. राघव ने अच्छी बॉल डाली, बॉल थोड़ी सी टर्न हुई और लेग स्टंप को जाकर गिरी. ऑफ में स्टंप पे डाली थी, बॉल थोड़ी सी घूमी और लेग स्टंप
लेग स्टंप पर बॉल जाके लगी, इस तरह से दूसरा विकेट जेम्स विंचेस्टर का गिरा और विकेट राघव ने लिया। बेहतरीन बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग थी राघव की, सीधे लेग स्टंप पर जाकर गिरी। ओवर की समाप्ति 85 रन पर 2 विकेट। स्कोर है 85 रन पर 2 विकेट। ऑफ स्टंप पर बॉल गई और अंपायर का इशारा वाइड, बैट्समैन रन ले रहे हैं, एक रन दूसरे रन के लिए उन्हें वापस मोड़कर भागा, फील्डर ने बॉल ले ली हाथ में और थ्रो कर दिया विकेट कीपर को और अंपायर का इशारा वाइड, 2 और 1 वाइड यानी 3 रन जेम्स विंचेस्टर के खाते में और आ गए। ऊपर से उठा दिया, कैच का मौका था लेकिन दोनों फील्डर के बीच में गिर गई बॉल जिससे वो कैच न ले पाए और 2 रन यहां पर रोमन के खाते में। अच्छी बॉलिंग स्टंप पर थी लेकिन बैट्समैन ने घुमा दिया और फील्डर चेस कर रहे हैं बॉलिंग को रोकने की लेकिन कोशिश नाकाम और 4 रन। अच्छा स्ट्रोक रोमन का, बहुत अच्छी तरह से खेले, बॉल भी अच्छी थी, इतनी खराब नहीं थी, सीधे ऑफ स्टंप पर थी, बॉल ऊपर उठी लेकिन बैकवर्ड जाकर रोमन ने उसे अच्छी तरह से घुमा दिया और उसे 4 रन का फायदा हुआ। फिर से बॉल ऑफ स्टंप की ओर, वाइड बॉल और बॉल 1 रन ले चुके बैट्समैन ने और फील्डर ने बॉलर बॉल विकेट कीपर के हाथ में और 1 वाइड और 1 रन, 2 रन और आ गए जेम्स विंचेस्टर के खाते में। Murli is going to bowl. Offside bowling and it was a no ball. And it's going to be a free hit also. Murli is going to bowl. गुड बॉल स्ट्रेट बैट्समैन फील्डर के हाथ में बॉल और लेकिन 1 रन रुका ना पाए और बैट्समैन ने 1 रन ले लिया। द स्कोर इज 96-2 डाउन। मुरली इज बॉलिंग टू रोमन एंड बॉल
He hit on the leg side. He tried to field, base fielding, and another fielder got the ball and given back to the bowler. So the batsman has gone for another one run, two run. So score is now 98 for two. Murali bowled to Roman, and very good shot, straight shot on, and fielder tried to stop it, but he couldn't, and the ball went to the four. लेग स्टंप के बहुत ही दूर बाहर से बॉल गई और एम्पायर ने नो बॉल का इशारा किया, तो एक रन और जेम्स विंचेस्टर के खाते में। आर्यन सामना करने के लिए तैयार, स्लाइड बॉलर ने ऊपर उठा दिया बॉल, लेकिन फील्डर के बहुत ही करीब बॉल गिरी लेकिन हाथ में ना आ सकी, इसलिए एक रन और। रोमन सामना करेंगे, लेग पे बॉल आई लेकिन लेग के बाहर स्टंप से जा रही थी, इसलिए अंपायर ने आउट नहीं दिया क्योंकि इन्होंने अपील की थी लेग बिफोर के लिए, लेकिन आउट नहीं। विवेक ने अच्छी बॉलिंग डाली लेकिन बीट हो गए, उसे खेल ना पाए क्योंकि मिडिल स्टंप पे थी और क्रॉस बॉल खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले पे लगी नहीं और बॉल उनके थाई पैड के थाई पर जाके लगी, सो कोई रन नहीं। विवेक की बॉलिंग और बैट जस्ट थोड़ी सी बच गई और अंपायर का इशारा कि बॉल बाहर जा रही थी स्टंप के, इसलिए उसे लेग बिफोर विकेट नहीं दिया जाएगा। विवेक बॉलिंग डालने के लिए तैयार, लेग पर बॉल डाल दी और रोमन ने उठा दिया ऊपर लेकिन फील्डर से दूर, और पृथ्वी ने बॉल को रोका बाउंड्री लाइन के अंदर और सिर्फ दो रन बैट्समैन को मिले। जेम्स विंचेस्टर का स्कोर 106 फॉर टू। के लिए और रोमन ने घुमा दिया, फील्डर पांव से रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रुक ना पाई और बॉल गेंद चार रन के लिए। चौका चार रन और विंचेस्टर का स्कोर हो गया 110 पर दो। Largest healthcare chain in the Gulf and growing in India, Asta DM Healthcare. We'll treat you well. Aryan is going to take strike and Prithvi is going to bowl. Full toss ball on the leg side but missed
and umpire given a white ball. Prithvi's first ball wide. 111 for two. Prithvi's ball on the leg stump, and Aryan hit on the leg side and took one run. The score is 112 for two. Prithvi is trying to put on the leg stump, and the batsman is trying to hit on the leg side and taking one run. Prithvi again took start to bowl. Good ball on the middle stump, but batsman has taken one run. Single for Roman. And the score is 113 for two. Aryan is going to face. Prithvi is going to bowl. He bowls at leg stump and it goes for a wide. Wicketkeeper couldn't collect it and ball went to, he stopped the ball before the boundary line and batsman has taken two run. Or one run is for wide, so it became 116 for two. Offside the ball. Batsman left the ball and went to the keeper. No run. Aryan is going to face. Ball on the off stump and it's umpire given a wide. One more wide. The Gems' total score has become 117 for two. Prithvi is bowling. He bowls very short pitch and batsman has hit on the leg side. And Aryan is going to get, I think, they stop before the boundary line and only two run Aryan got. The score is 119 for two. Aryan is going to face Prithvi. He bowls on the leg side and Aryan is hit on the leg side only and goal, I think, misfielding and ball. He's got it. Only two run. The score is 121 for two. Two batsmen got out. The first wicket was Ikram. 47 run in 20 balls. And second wicket was Roshan. Scored only 8. No run. Ikram was the first wicket. It was Ikram, 47 in 20 balls. And Roshan, 14 balls, 14 run. So they are 2 wicket down in 121 run, Gems Winchester. Sean has ball on the leg side and Ryan hit in the legs, gone to the four. Ek par do, James Winchester. Sean balling dal rahe hai.
बहुत ही बाहर आउटसाइड की तरफ और अंपायर का इशारा वाइड। एक और रन जेम्स विंचेस्टर को, स्कोर हो गया है 126 पे 2। दसवां ओवर, शॉन राग, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट और चार रन। रयान बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर खेल रहे हैं। आर्यन इज डूइंग वेरी वेल और स्कोर हो गया है 131 पर 2, 131 for 2। शॉन इज बॉलिंग टू आर्यन ऑन द लेग साइड एंड ही हिट इट ऑन द लेग एंड फील्डर, ओ अगेन मिस फील्डिंग एंड पृथ्वी टुक इट द बॉल एंड थ्रोड टू द विकेट कीपर एंड इन मीन विल टाइम बैट्समैन हैज टेकन 2 रन। सो 133 for 2। शॉन अपनी जगह पर बॉलिंग डालने के लिए और आर्यन ओ अगेन लेग के बाहर, स्टंप के बहुत ही बाहर बॉलिंग डाल रहे हैं और अंपायर का इशारा वाइड। एक रन और जेम्स विंचेस्टर के खाते में, उनका टोटल हो गया है 1। शॉन ने बॉलिंग दी और अपील एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया क्योंकि बॉल बाहर जा रही थी और एक रन विंचेस्टर के खाते में 135 पर 2। रोमन अब सामना करेंगे शॉन का। शॉन बॉलिंग डालने के लिए तैयार, लेग के बाहर बॉलिंग डाल दी, लेग स्टंप के काफी बाहर और देखना है कि एम्पायर वाइड दे रहे हैं कि नहीं। फैजल ने बॉल कलेक्ट किया बाउंड्री लाइन के अंदर और 2 रन उन्होंने इस बीच ले लिया। 2 बॉल और एक वाइड एम्पायर का इशारा, तो 3 रन का फायदा हुआ जेम्स विंचेस्टर को और उनका स्कोर हो गया 137 पर 2। अच्छी बॉल थी लेकिन घुमा दिया रोमन ने और वहां फिर मिस फील्डिंग और इस मिस फील्डिंग की वजह से उनको एक रन और ज्यादा मिल गया। इस तरह से रोमन को 2 रन मिल गए। जेम्स विंचेस्टर का स्कोर इस वक्त 139 यानी 139 for 2। अच्छी बॉल रोमन ने हिट कर दिया लेकिन थोड़ी सी फबल हो गई वहां पर पृथ्वी से, लेकिन कलेक्ट करके उन्होंने वापस कर दिया से, इसलिए उन्हें एक ही रन मिला। स्कोर हो गया है जेम्स विंचेस्टर का 140 पर 2 और एम्पायर का इशारा ड्रिंक्स के लिए।
सचिन सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर हैं, जिनत स्पोर्ट्स एकेडमी। हम इनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। राजेश जी, आप कुछ बता सकते हैं कि आप इस रॉबिन सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी के पार्टनर भी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है इस टूर्नामेंट के बारे में और आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोचा नहीं था कि इतना अच्छा टूर्नामेंट हम जो सोच रहे थे वो शायद हो पाएगा। आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। या श्योर। वेरी एक्साइटिंग एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ यू नो हाउ वी ऑर्गेनाइज दिस इवेंट एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द स्कूल। आई थिंक as far as I know, you know, I don't think anyone so far have managed to, you know, get around more than 30 schools in any kind of tournament so far in UAE. I think this is a big achievement in terms of, you know, how we started this tournament. So obviously we wanted to, you know, improve the cricket from grassroots. And overall improvement of cricket in UAE. That is our objective. And who better than Robin Singh to do this, right? So you know, so one of the thing what we I wanted to, you know, highlight here is Robin Singh is going to be on the ground, you know, with students. You know, not just lending his name. You know, he's going to be with the students and. Working with the students and improving their, you know, quality of cricket. So that is very exciting. So I'm looking forward. I want to ask you one more question. Robin Singh, you have said that he's going to station over here only, and he has opened a company with you, yeah. And Mr. NS, and he is a resident. He got a resident visa also, yeah. As well as MS ID also. So, and he opened an academy also, right. And I think he got a good students, and you people are joining with the GEMS Modern Academy Schools. Can you highlight on that, please? Yeah. So, we have been trying to reach out to a lot of schools, you know, trying to partner with them and get their student into our academy. So, as part of that process, we have reached out to GEMS. So, there is a sports management company which manages their sports, which is ESM Sports. They, you know, we had an agreement with the school now, with the sports company that, you know, we will take some of their facilities on rent and we run our academy in their premises. So as part of that, we will be starting our academy in GEMS Modern School, where they have, you know, much better facility in terms of cricket. So we will be starting our academy from 2nd of February from in GEMS Modern Academy. So very nice to hear about it, Rajesh. And I wish you all the best. And I know that you, Robin Singh, has his own good teams, good coaches from India and Sri Lanka. And I hope they will grow. And the lot of kids from Dubai will get opportunity to learn from him. Thank you very much, Rajesh. It was nice talking to you. James Winchester High School ka score is 1-1. Largest healthcare chain in the Gulf and growing in India, Asta DM Healthcare. We'll treat you well.
अगो फिर से आ गए हैं बॉलिंग डालने के लिए और रोमन सामना करने के लिए तैयार। अभी हमने राजेश से बातें की, राघवन की बॉलिंग लेफ्ट पर और रोमन ने लेफ्ट पर घुमा दिया, एक रन उन्होंने लिया, दूसरे रन के लिए वो भाग रहे हैं। फील्डर ने बॉल पकड़ी और बॉल फेंक दिया विकेट कीपर के हाथ में, सिर्फ दो रन, रोमन को दो रन मिला, टोटल 155 पर दो। अभी हम बात कर रहे थे राजेश से कि रॉबिन सिंह जो मुंबई इंडियंस के कोच भी हैं और ये अलाइड लीग्स स्कूल लीग्स जो है ये उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है। राघवन बॉलिंग फेंक रहे हैं, अच्छी बॉलिंग लेकिन घुमा दिया लेग की तरफ और वहां फील्डर थोड़े से फंबल हो गए जिस बीच उन्होंने एक रन ले लिया। 156 फॉर टू इन 11th ओवर, द 12th ओवर इज गोइंग ऑन। राघव इज टेकिंग स्टार्ट टू बॉल and Aryan is going to face him. Raghavan taking start to bowl Aryan. I think Aryan is not ready, or Roman is changing his gloves, or so umpire has asked him to wait. Raghavan took start to bowl to Aryan and he bowled on the leg side, man, he hit it but on the air, but nobody was there to take the catch, so he's gone for a one run. 157 for two in 12th over. James Winchester 157 for two in 11th over. 12th over is going on. Raghav fir bowling karne ke liye फुल टॉस बॉल ऑन द ऑफ साइड सम के बहुत ही बाहर और अंपायर का इशारा देखना है, जी हाँ वाइड। 158 फॉर टू 12वां ओवर। अच्छा स्कोर, अब देखना है राघव की बॉलिंग, लेग स्टंप के बहुत ही बाहर और विकेट कीपर उसे कलेक्ट नहीं कर पाए, इस बीच उन्होंने एक रन ले लिया, दूसरे रन की तैयारी और दूसरा रन ले रहे, शायद विकेट कीपर उसे स्टंप कर दे तो आउट हो जाएगा, लेकिन मिस, और थोड़ा सा और जल्दी कलेक्ट कर लेते बॉल और स्टंप पर फेंक दे तो शायद रोमन पवेलियन की ओर दौड़ते ही आ जाते। वाइड भी थी इसमें, एम्पायर ने वाइड का भी इशारा दिया था, तो इस समय ऑफ साइड में बॉलिंग डाल ली, उन्होंने घुमा दिया, पृथ्वी ने मिस फील्डिंग की, उससे उन्होंने एक रन और ज्यादा ले लिया, तो दो रन रोमन को, दो रन का फायदा। जेम्स विंचेस्टर का स्कोर 163 फॉर टू 12वें ओवर पर। राघव बॉलिंग डालने के लिए तैयार, रोमन स्ट्राइक ले रहे हैं, फुल गुड बॉलिंग बट घुमा दिया ऑफ साइड की तरफ और फील्डर ने उसे कलेक्ट कर बॉलर की ओर फेंक दिया, एक रन रोमन को। 164 फॉर टू 12th ओवर इज गोइंग ऑन। राघव अच्छी कोशिश कर रहे हैं बॉलिंग डालने की, लेकिन कभी वाइड चली जाती है और कभी फुल टॉस और कभी फिर से ऑफ स्टंप में उन्होंने डाल दी और बॉल बॉलर के थोड़े दूर से निकल गई, अगर थोड़े इस तरफ आती तो वो कैच पकड़ लेते, लेकिन अफसोस थोड़े दूर से चले गई और एक रन जेम्स विंचेस्टर के खाते में।
टूर्नामेंट का आगाज किया। ये ओपन इनविटेशन स्कूल के लिए था जिसमें 28 स्कूलों ने भाग लिया, जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं था, ये फ्री इनविटेशन था। शॉन की बॉलिंग ऑफ साइड पे, रोमन ने उसे कोशिश की मारने की लेकिन बॉल मिस हो गई और विकेट कीपर के हाथ में। एम्पायर ने इसे डेड बॉल कर दिया क्योंकि मेरे ख्याल से बैट्समैन रेडी नहीं थे, उन्होंने बॉल फेंक दी थी, इसलिए शायद डेड बॉल। शॉन फिर से बॉल फेंकने की तैयारी में, रोमन स्ट्राइक कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर, और अंपायर का इशारा नो बॉल, और इस बीच उन्होंने एक रन और ले लिया, तो दो रन, एक वाइड और एक उन्होंने खुद रन लिया, तो दो रन का फायदा जेम्स विंचेस्टर के लिए। फिर बॉलिंग फेंक रहे हैं, लेग स्टंप है और मिस हो गई बॉल, पैड को लगी बट विकेट कीपर ने कलेक्ट कर लिया और कोई रन नहीं। विंचेस्टर का स्कोर 168 for 2, 13th ओवर इज गोइंग ऑन एंड आर्यन इज गोइंग टू फेस शॉन। ऑफ साइड द स्टंप एंड इज क्लीन बोल्ड, वेरी गुड बॉल, गुड लेंथ बॉल, एंड रायन ट्राई टू हिट क्रॉस बैट, मिस द बैट एंड बॉल hit to the stump. Third wicket. And the score is 165 for 3. Westminster, James Westminster is 168 for 3. Ryan just got out. Mohammed, left-handed batsman. Sean is going to ball to Hassan. Good ball, good length, and Hassan drives it straight to the fielder and has a one run. 169 for 3, James Winchester. Sean is bowling to Roman on the leg side, and the umpire has given a wide, misfielding by wicketkeeper, and they took one more run. All left-hander Hassan, full toss ball on the middle stump and he hit it up, fielder is trying to catch but it's gone above the fielder and to the boundary line, and it is, I have to see the umpire signal what he's going to give, either it's just the rope or not. No, the umpire said only two run, so Hassan got a two run, and when James Winchester is 173 for 3. Sean to Hassan, and umpire is given a wide ball. So James Winchester is 174 for 3. 13 overs going on. Hassan is going to face Sean. Sean is took the start and he bowls. Good length ball, but gone straight to the fielder, and batsman has taken one run. Hassan got one more run, and the score is 175 for 3. It is over. The 13th over is gone. 3 wickets down, 178, James Winchester.
28 schools has taken part in this tournament, and there is no registration fee. It is completely free invitation to the all schools. And this tournament is going to be held every year. And every year we'll be select 15 kids, the best kids, and we'll give them a high performance training. Women's Robin Singh, the legend Mumbai Indian coach who played for India, and he was a coach for under 19. Hassan is going to take the strike and hit it straight up, but there is no fielder, and we have to see the ball is crossing the boundary line or not. Yes, it's gone to the four. Umpire has given a signal four. Good ball, just missed this. He couldn't hit it, ball missed, and the wicketkeeper taking the ball and send it back to the bowler. Vivek is the bowler, going to take the start. Vivek to Hassan. Wicketkeeper missed the ball, and batsman is taking one run, coming for the second. And umpire is given wide. Two run plus one wide. The score is 181 for three. Vivek is taking strike. Hassan is ready to bat. Oh, outside the leg stump, but umpire is given not out. The ball was going outside the leg stump. Hassan tried to sweep it, but couldn't connect it. And no run. 181 pe 3. 14th over chal raha hai. James Winchester is in a good position. Vivek. Hassan. Good ball. Achhi stroke, Prithvi wahan koshish kar rahe ball pakadne ki, ball field karne ke baad, bowler ke haath mein, aur bowler ne miss kar di, ball seedhe wicket keeper ke haath mein aayi, aur ek run. 182 par 3, 14th over chal raha hai. ले खड़े हैं विवेक रोमन को अच्छी बॉल अंपायर लेकिन घुमा दिया लेग साइड पर और पृथ्वी गिर पड़े बॉल पकड़ ना सके और बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन जेम्स विंचेस्टर 186 पर 3 14th ओवर चल रहा है अच्छी एवरेज लेकर चल रहे हैं जेम्स विंचेस्टर सोच समझकर बल्लेबाज कर रहे हैं विवेक रोमन गुड बॉल एंड लगा दिया अच्छा स्ट्रोक फील्डर ने बॉल को कलेक्ट कर लिया बॉल बाउंड्री लाइन के अंदर और सिर्फ एक रन जेम्स विंचेस्टर के खाते में पर 3 विकेट 14th ओवर खत्म जेम्स विंचेस्टर 188 पर 3
Largest healthcare chain in the Gulf and growing in India. Asta DM Healthcare. We'll treat you well. Okay, bowling dalne ke liye. Samna karenge Roman. Dekhna hai is waqt agar wo wicket le lete to ye bhagidari toot jayegi. Murli Dharan Roman samna karenge. लेग साइड पे थोड़ी बॉलिंग डाल दी और बैट्समैन ने उसे घुमा दिया लेग साइड की ओर और फील्डर ने उससे बाउंड्री लाइन के अंदर ही कलेक्ट कर लिया और सिर्फ एक रन उन्हें मिला, लेकिन बैट थ्रो जिसकी वजह से उन्हें एक और रन मिल गया तो जेम्स विंचेस्टर के खाते में दो रन और जुड़ गया। इस तरह से जेम्स विंचेस्टर का स्कोर 194/3 14 ओवर के बाद। मुरलीधरन अच्छा बॉलर, अच्छी स्ट्रोक, फील्डर ने मिस फील्डिंग कर दी, पैर से रोकने की कोशिश की लेकिन पैर पे बॉल लगी नहीं और निकल गई बाहर और फैजल ने जाकर उससे बाउंड्री लाइन के अंदर रोक दिया और अपने पार्टनर दूसरे फील्डर को थ्रो कर दिया, उसने बॉलर के हाथ में बॉल फेंक दी। इस तरह से स्कोर हो गया है 193/3। मुरली हसन को बॉल बहुत बार थी आउट समके, इस एम्पायर ने इसे 22 करार कर दिया, एक रन का और फायदा 194/3। मुरली फिर से बॉलिंग डालने के लिए तैयार, हसन सामना करने के लिए तैयार। मुरली ने बॉलिंग फेंकी, अच्छी बॉल एंड इज आउट। बहुत बढ़िया बॉलिंग, ऑफ स्टंप पे बॉल थोड़ी सी उठी, बैट्समैन के बल्ले से बॉल लगी नहीं और सीधे ऑफ स्टंप पर जाकर लग गई और हसन वापस पेविलियन की ओर। चौथा विकेट जेम्स विंचेस्टर का, चौथा विकेट गिरा, हसन इज क्लीन बोल्ड। One 94/4. 15th over is going on. और नए बैट्समैन साध सामना करेंगे मुरली का, राइट हैंड बैट्समैन लेग साइड में काफी बाहर लग के स्टंप के बाहर और विकेट कीपर उसे कलेक्ट नहीं कर पाए और बाउंड्री लाइन के पीछे फील्डर ने फील्ड कर दिया और बैट्समैन इस बीच दो रन ले लिए और एक वाइड का, तो तीन रन जेम्स विंचेस्टर को मिलता है। 197/4। मुरलीधरन इज गोइंग टू बॉल अगेन टू साध, अच्छी बॉल लेकिन स्ट्रेट ड्राइव कर दिया, फील्डर फिर मिस फील्ड कर गए जिसकी वजह से वो दूसरा रन भी ले लिए, दो रन और जेम्स विंचेस्टर के खाते में। One ninety nine for four विकेट डाउन। मुरली ने लेग पर बॉल फेंक दी, शॉर्ट थी पिच और बल्लेबाज ने घुमा दिया हसन ने उसे और बॉल गई चार रन के लिए।
स्कोर हो चुका है जेम्स विंचेस्टर का 203/4, 15 ओवर की समाप्ति हो चुकी, नहीं 15 ओवर चल रहा है, इट्स ओनली बॉल 15 ओवर का। मुरली ने बॉल फेंकी, साध ने उसे कलेक्ट किया और स्ट्रेट ड्राइव कर दिया फील्डर के सामने से, फील्डर पहुंच नहीं पाई और बॉल सीधे 4 रन के लिए। स्कोर हो गया 207, 4 विकेट खोने पर और 15वां ओवर भी समाप्त। देखना है जेम्स विंचेस्टर कहां तक स्कोर ले जाता है। तो 250 बनाना होगा और तेज गति के साथ बनाना होगा बिना विकेट खोए। शुरुआत इनकी अच्छी होनी चाहिए तब जाकर ये टारगेट के करीब पहुंच पाएंगे। पृथ्वी फिर आ गए बॉलिंग डालने के लिए और सामना करने के लिए रोमन खड़े हैं, कप्तान फील्ड अरेंज कर रहे हैं। पृथ्वी इज गोइंग टू बॉल रोमन लेग साइड and umpire is given wide. 208 for 4 down. 16th over is going on. Prithi is bowling to Saad. Good stroke. Roman, I'm sorry. Good stroke on the leg side. Acha sweep kar diya. And it's gone for a 4 run. So 112 for 4. रोमन ने 30 बॉल में 50 अंक कर दिया अपने खाते में। रोमन 50 रन्स इन 30 बॉल। द स्कोर इज 208 फॉर 4. 16th over is going on. Prithvi is going to bowl to Roman. Prithvi took start to bowl Roman on the leg side and he swept it and it's gone to the fielder's hand, but little fumble and they took for a 1 run. 209 for 1, for 4. The score is 213. For 4. Good stroke, but fielder ne se rok liya. Koi run nahi. Achhi bowling thi Prithvi ki. James Winchester ka score ho gaya hai 213, 4 wicket khoye. और 16वां ओवर चल रहा है। मिस कर दिया विकेट कीपर ने इस बॉल को, जिस पे उन्होंने 1 रन, वाइड एम्पायर का इशारा, तो यहां पर 2 रन इनके खाते में आ गए। तो स्कोर हुआ है 214 पे 4 विकेट। बॉलिंग डालने के लिए तैयार, उन्होंने बॉल फेंकी लेग साइड काफी बाहर और अंपायर का इशारा देखना है। विकेट कीपर भी उसे पकड़ना कलेक्ट नहीं कर पाए और 1 रन इस बीच में उन्होंने ले लिया और अंपायर का वाइड का इशारा, तो 2 रन जेम्स विंचेस्टर के खाते में 4 विकेट खोकर, तो स्कोर हो गया 216। साइड में बॉल डाल दी, उन्होंने स्ट्रोक घुमा दिया बॉल, फील्डर ने उसे फायर से रोक कर उठा लिया
और पृथ्वी के हाथ में बॉल फेंक दी, एक रन रोमन को यहां पर मिला और जेम्स विंचेस्टर का स्कोर इस वक्त 217 चार विकेट खोने पर। पृथ्वी बॉल लाने के लिए तैयार, रोमन स्ट्राइक ले रहे हैं, ओ काफी बाहर लग के जा विकेट कीपर शायद पहुंच भी नहीं पाते वहां पर। इस बीच उन्होंने एक रन ले लिया और एक वाइड और एक शॉर्ट रन है तो उन्हें एक ही रन मिलेगा। रन उनको नहीं मिल पाएगा, सो इट इज 217 for 4। और एक वाइड पृथ्वी का, ये दूसरा वाइड और एक रन जेम्स विंचेस्टर के खाते में। और विवेक बॉलिंग डाल रहे हैं, लेग स्टंप पे फिर बाहर और एम्पायर का इशारा, मिस विकेट कीपर कलेक्ट कर नहीं पाई और बॉल उनके हाथ से छूट के चली गई। इस बीच उन्होंने एक रन लिया तो एम्पायर ने फिर एक वाइड का इशारा दिया और इस वक्त स्कोर हो गया है 210 for 4। दो सौ बाईस रन चार विकेट खोकर, माफ कीजिएगा बीच में गलती हो गई, ओ चौका लगा दिया रोमन ने इस ऑफ साइड की बॉल को घुमा दिया बॉलर के साइड से और चार रन के लिए। तक 226 for 4, पृथ्वी ने बॉल डाली स्ट्रेट और बैट्समैन ने उसे घुमा दिया, देखना है कि फील्डर से कलेक्ट न हो, पांव से रोक दिया उन्होंने बाउंड्री लाइन के अंदर और बैट्समैन दो रन के लिए जा रहे हैं। पृथ्वी बॉल पकड़ने की कोशिश, बॉल पकड़ ली लेकिन बैट्समैन उस वक्त क्रीज पर पहुंच चुके थे, तो दो रन और जेम्स विंचेस्टर के खाते में और इसी के साथ ओवर। स्कोर हुआ है 228 पे चार विकेट और 16 ओवर। के लिए और साथ उसका सामना करेंगे। मुली ने बॉल फेंकी लेग स्टंप के काफी बाहर और इस बीच एम्पायर का इशारा वाइड, एक रन और (229 for 4) 17th over इज गोइंग ऑन। अच्छा बॉल घुमा दिया, देखना है कि कैच वो पकड़ते हैं कि नहीं, कैच हाथ से छूट कर नीचे, एक जीवन उनको मिला है साथ को। ऊपर उठा दिया था विकेट ना मिल पाया, मुली ने बॉल फेंकी ऑफ साइड की तरफ, उन्होंने घुमा दिया, फील्डर उसे पकड़ लिए और फिर बॉलर की ओर फेंक दिया, इसके साथ उनको एक रन और मिला। जेम्स विंचेस्टर का टोटल स्कोर है 231 for 4। और एक चौका साथ लगा दिया, इस तरह से स्कोर
तेजी के साथ स्कोर आगे बढ़ा रहे हैं। मुरली बॉलिंग डालने के लिए तैयार, बॉलिंग उन्होंने फेंक की, साहद ने उसे घुमा दिया लॉन्ग ऑन पे और सी फील्डर पृथ्वी उसे रोक दिए और एक ही रन साथ को मिला। द टोटल स्कोर इज 236/4। मुरली बॉलिंग फेंक रहे हैं, रोमन ने स्ट्राइक ली और स्ट्रेट घुमा दिया फील्डर के सामने और बॉल उनके हाथ से छूटकर सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। रोहन एंड साद इज बिल्डिंग द पार्टनरशिप and they are playing very good. Murli is going to bowl to Rohan. Rohan is going to take a start. Murli bowls off very good bowling. It was a little rocker on the off side. Rohan tried to hit but couldn't manage and ball went to the bowler and no run. Gone. Total is 240 for 4. 17th over is gone. 18th over. Largest healthcare chain in the Gulf and growing in India, Asta DM Healthcare. We'll treat you well. To hit, couldn't connect properly. No run. 244/4. 18th over is going on. Eight ball. उन्होंने फेंकी. साथ ने उसे उठा दिया ऊपर से, लेकिन फील्डर कोई नहीं है वहां पर. एक रन. फ्लाइट बॉलिंग डाल रहे हैं, अच्छा स्ट्रोक उसी तरफ, फील्डर ने बॉल रोक दी और एक रन। बॉल उठा दिया बॉलर के बहुत ही आगे, बॉल गिरी, कैच नहीं हो पाया और इस बीच उन्होंने एक रन ले लिया। चौका, गॉन। 58 ओवर की समाप्ति पर 251 चार विकेट खोकर।
शॉन बॉलिंग डाल रहे हैं साथ को ऑफ साइड की ऑफ स्टंप से बाहर और वाइट का इशारा Eighteenth over is gone. 19th over started. Sean is going to bowl to Saad. He took the start to bowl, and he bowls to Saad. Saad was ready. Full toss ball, and wicketkeeper couldn't connect. And umpire is given no ball because it was from the shoulder, and ball was full toss. Ek run or hit, free hit. ने बॉल फेंका अच्छी फुटवर्क आगे आकर बॉल को चार की ओर घुमा दिया चौका .258/4 शॉन बॉलिंग फेंक दिया और उन्होंने बिना सब पे बॉलिंग डाली उन्होंने घुमा दिया बॉल को साथ में और बॉल सीधे चार रन के लिए फेंकी ऑफ स्टंप पर साथ मिस हो गए बीट हो गए और विकेट कीपर के हाथ से भी बॉल फिसल गई और पृथ्वी पीछे से आकर बॉल को कनेक्ट किया और वापस बॉलर की ओर शॉन बॉल फेंकने के लिए तैयार साथ सामना करने के लिए तैयार घुमा दिया लेग की साइड में और फील्डर से कोशिश करने रोकने के लिए लेकिन वो रोक नहीं पाई और बॉल एम्पायर का देखना इशारा बॉल जी हाँ एम्पायर ने इशारा दे दिया चौका का चार रन और .4 शॉन बॉलिंग फेंक रहे हैं सीधे अच्छी बॉल फुल टॉस ले ली उन्होंने बैट्समैन ने साथ में और हिट कर दिया ऑफ साइड में और एक रन .267/4 शॉन बॉलिंग डाल रहे हैं रोमन को फुल टॉस बॉल थी मिडिल स्टंप पे और शॉन ने उसे घुमा दिया लेग साइड पे और चौका चार रन और शॉन को जेम्स विंचेस्टर के खाते में इस वक्त टोटल है .271/4 बल्लेबाज कितने रन और जोड़ते हैं क्योंकि इस वक्त 300 रन के लिए सिर्फ 19 रन चाहिए फैजल बॉलिंग के लिए तैयार बॉलिंग उन्होंने फेंकी गुड बॉल एंड था लेकिन उठा दिया कैच नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि बॉलर फील्डर के ऊपर से बॉल चली गई चार रन के लिए .55/4 आखिरी ओवर पांच गेंद और बाकी है 15 रन और चाहिए 300 बनाने के लिए अगर ये 300 बना लेते हैं तो हाईएस्ट स्कोर होगा इस टूर्नामेंट का फैजल ने बॉल फेंकी लेग स्टंप पे और एम्पायर का इशारा वाइड .276/4 साथ सामना करने के लिए तैयार फैजल ने बॉलिंग फेंक दी लेग स्टंप के बाहर और अंपायर का फिर वाइड का इशारा
277 for four. James Winchester ka score 277 for four. Akhri over. Faisal ne ball fegi. Oh, leg stumps ke bahar. Teesri ball wide. Tino ball wide. 278 for four. Faisal kaptan. Tino ball wide. Hat-trick wide. Ise keh sakte hain. Faisal ko sahi tarike se bowling dalna hoga kyunki ye aakhri over hai aur inka score 278 ho chuka hai. Faisal fir bowling dal rahe hain. Full toss ball aur I think mere khayal se umpire ise no ball denge kyunki ye shoulder ke height se full toss gayi ye ball aur wicket keeper ne use collect kiya aur free hit. Asad ne koshish ki thi ise marne ki lekin balle pe unki lagi nahi gend aur wicket keeper शॉन ने फिर बॉल फैजल ने फिर बॉलिंग डाल दी. उन्होंने उठा दिया. देखना है कि फील्डर कैच ले रहा है कि नहीं. नहीं, दोनों फील्डरों के बीच में बॉल गिरी और ये छक्का. माफ कीजिएगा, 15 रन अभी चाहिए 300 के लिए. और ये लास्ट ओवर है. फैजल बॉलिंग के लिए तैयार. उन्होंने बॉलिंग फेंकी लेग साइड की और अंपायर का इशारा वाइड. काफी वाइड दे चुके हैं इस ओवर में फैजल ने. कप्तान है, उन्हें कंट्रोल करना होगा. वाइड नहीं देना चाहिए इस समय क्योंकि स्कोर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है. फैजल ने बॉलिंग डाली शॉर्ट पिच लेग के बाहर. फिर अंपायर का इशारा देखना है. जी हाँ, वाइड बॉल. 287 फॉर फोर. आई डोंट नो व्हाई फैजल इज गिविंग ऑल द टाइम आउटसाइड द लेग स्टंप व्हिच इज गोइंग वाइड. दिस इज द फोर्थ आई थिंक सिक्स लेट मी नो. फाइव वाइड्स इन दिस ओवर, दिस लास्ट ओवर एंड फाइव वाइड्स. A really surprise from a captain who's bowling a five wides in this over and the last over. Faisal bowling dalne ke tayar. Saad given again, no ball. Aur ek no ball Faisal ka. Free hit. फैजल ने फिर बॉल फेंकी. अच्छी बॉल इस टाइम. जस्ट बैट्समैन बीट हो गए. साथ उसे कनेक्ट नहीं कर पाए, बच गए. अगर थोड़ी सी अंदर बॉल होती तो आउट हो जाते. अच्छी बॉल थी फैजल की. ये पांच वाइड देने के बाद बहुत ही अच्छी बॉलिंग उन्होंने डाली. स्ट्रेट स्टंप के थोड़ी से बाहर फैजल की बॉलिंग. फुल टॉस. असाद उसे जंप मार के मारने की कोशिश की लेकिन उनके सिर के ऊपर से बॉल चली गई और अंपायर ने नो बॉल का इशारा. और एक नो बॉल. लास्ट ओवर और अंपायर ने उन्हें बॉलिंग करने से रोक दिया और पृथ्वी को बॉलिंग करने के लिए बुलाया क्योंकि पांच वाइड और तीन नो बॉल जिसकी वजह से उन्होंने रोक दिया और बाकी बॉल पृथ्वी डालेंगे. पृथ्वी ने बॉल डाली. अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल मिडल स्टंप पर, लेकिन वहां कोई फील्डर ना होने के कारण लॉन्ग ऑन में बॉल सीधे चौके की ओर. नो बॉल रोक दिया फील्डर ने. सॉरी, माफ कीजिएगा. बाउंड्री लाइन के करीब उन्होंने बॉल रोक दिया पैर से और दो रन उन्हें मिला. .291 लेग की तरफ बॉल पृथ्वी ने फेंक दी और एम्पायर का इशारा वाइड. .292 for four.
James Winchester का स्कोर 292 for 4. पृथ्वी बॉलिंग डालने के लिए तैयार, असद सामना करने के लिए तैयार. ऑफ स्टंप पे बॉलिंग डाल दी, उठा दिया बॉल, लेकिन फील्डर के ऊपर से बॉल चली गई और फील्डर उसे दौड़कर रोकने की कोशिश, रोक दी बॉल और पृथ्वी के हाथ में बॉल आ गई और बीच में बैट्समैन ने 2 रन ले लिया. 20 ओवर की समाप्ति, 294 स्कोर टोटल. इन्होंने टारगेट बनाया है 295.
வருதா? அப்படியே விட்டுருங்க, தயவு செஞ்சு அவங்களுக்கு ஃபீடு கொடுக்க முடியாதுன்னே சொல்லுங்க. ஃபீடு கொடுக்க முடியாது, நம்மளே தான் இருக்கும் ஃபீடு. நான் திரும்பி சொல்றேன், நம்ம கிட்ட தான் ஃபீடு இருக்கும். டெஸ்டிங் கூட கொடுக்காதீங்க, போயிடுச்சுன்னா வராது அவ்வளவுதான். போதுமா? ஓகேவாண்ணா? சூப்பர். Thank you.
सोच समझकर समझदारी के साथ स्ट्रोक कर ले रहे हैं। जहां उन्हें लगता है कि बॉल को छोड़ देना चाहिए वहां पर वो बॉल छोड़ देते हैं, और जहां उन्हें लगता है कि इस पे रन बनेगा तो वो कहीं ना कहीं वो प्लेस करके एक रन या दो रन ले लेते हैं। डेमियन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, बॉल स्टार्ट कर रहे हैं बॉलिंग डालने के लिए। डेमिन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ऑफ साइड पे कोशिश की मारने की, लेकिन वाइड थी इसलिए बल्ले पे लगी नहीं और अंपायर का इशारा वाइड। बॉलिंग डाल रहे हैं, अच्छी बॉलिंग, लेकिन एक वाइड उन्होंने दे दिया। साइरस बॉलिंग डालने के लिए तैयार, दौड़ते हुए आ रहे हैं। डेमिन को बॉलिंग एंड लेग्स पे थी, लेकिन घुमाने की कोशिश की, अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ बॉल और फील्डर के सामने और कोई रन नहीं। साइरस डेमिन को गुड बॉलिंग, ऑफ स्टंप पर बीट हो गए, गेंद बल्ले पर लगी नहीं, विकेट कीपर के हाथ में कोई रन नहीं, स्कोर में कोई तब्दीली नहीं, 8 रन बिना विकेट खोए। दौड़ते हुए बॉलिंग डालने के लिए आ रहे हैं, बॉलिंग उन्होंने फेंकी ऑफ स्टंप पे, क्रॉस बैट खेलने की कोशिश की लेकिन बल्ले पे बराबर लगी नहीं और फील्डर ने उसे कलेक्ट किया, वापस साइरस की और बेल बॉल फेंक दिए। साइरस वापस अपने स्टार्ट पर जा रहे हैं बॉलिंग डालने के लिए और डेमियन बैटिंग कर रहे हैं। साइरस भागते हुए आ रहे हैं बॉलिंग डालने के लिए और उन्होंने बॉल फेंकी, ओ मिस हो गई, बीट हो गए और एक रन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई बैट्समैन में, साइरस में और मुरली में, लेकिन उन्होंने फिर भी एक रन ले लिए। क्रेडेंस स्कूल का स्कोर नाउ बॉल, साइरस की लेग स्टंप पर बॉलिंग और बीट हो गए मुरलीधरन और बॉल सीधे स्टंप पर लगी और आउट हो गए। अच्छी कोशिश थी खेलने की लेकिन बॉल मिस हो गई, बल्ले पर लगी नहीं गेंद और बॉल सीधे जाकर स्टंप लेग स्टंप पर लग गई। इस वक्त स्कोर है 9 एक विकेट पर और दूसरा
बॉलिंग, लेकिन मिस फील्डिंग के कारण से एक रन उनको मिल गया। एक बाई, एम्पायर का इशारा 22 की तरफ, एक रन बीट हो गए, अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को, और एक रन मिस फील्डिंग विकेट कीपर की तरफ से। इकराम की बॉलिंग, स्ट्रेट बॉलिंग, उन्होंने घुमा दिया बॉल, फील्डर दौड़ कर आ रहे बॉल पकड़ने के लिए, और एक रन। अच्छी तरह से उन्होंने स्ट्रोक खेल लिया अभिषेक, और बॉलिंग डाल रहे हैं इकराम, डेनियन यूसुफ फेस कर रहे हैं। अच्छी तरह से बॉलिंग डाल दी मिडिल स्टंप पे, उन्होंने घुमा दिया लक की तरफ डेनियन ने, और ये चार रन। स्कोर हो गया है 15 एक विकेट खोने पर, क्रेडेंसन का स्कोर 15 एक विकेट खोकर। इकराम ने ऑफ स्टंप पे बॉलिंग डाल दी, उन्होंने घुमा दिया क्रॉस बैट करके लेग पे, और एक चार रन और। बेहतरीन डेनियम की बैटिंग, अच्छी तरह से लेफ्ट में घुमा दिया, पुल कर दिया बॉल को लेग पर, और चार रन। 19 रन देकर एक विकेट क्रेडेंस हाई स्कूल का। देखना है डेनियम अच्छी तरह से बैटिंग करेंगे तो ये स्कोर को आगे बढ़ाते जाएंगे। थोड़ी सी गलती यहाँ पर, साद ने विकेट ली, हम साइरस उसको कह रहे हैं लेकिन वो साइरस नहीं, साद है। इकराम बॉलिंग डाल रहे हैं डेनियम को, शॉर्ट पिच एंड बीट हो गए, मिस हो गई बॉल, और विकेट कीपर के हाथ में कोई रन नहीं। इकराम बॉलिंग डाल रहे हैं, घुमा ऑफ साइड पे घुमा दिया क्रॉस बैट, पुल कर दिया उन्होंने लेग पे, और चार रन। Largest healthcare chain in the Gulf and growing in India, Asta DM Healthcare. We'll treat you well. तीन ओवर में अच्छी शुरुआत, लेकिन विकेट को बचाकर इन्हें खेलना होगा, स्कोर को आगे बढ़ाना होगा। अच्छे खेल रहे हैं, सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं। अभिषेक आर्यन ने पहली बॉल डाली, कोई रन नहीं।
दूसरे बॉल के लिए तैयारी, दौड़कर दूसरे बॉल डालने के लिए आ रहे हैं। ओ क्रॉस बैट खेलने की कोशिश, अभिषेक आउट हो गए। मिडिल स्टंप पर बॉल थी, क्रॉस बैट खेलने के लिए कोशिश की, बल्ला गेंद को लगा नहीं, मिस हो गई और ऑफ स्टंप को लगी और वो आउट हो गए। दूसरा विकेट क्रेडेंस हाई स्कूल का गिरा और बीट हो गए। अभिषेक क्रॉस बैट खेले, बल्ले पर गेंद लगी नहीं, मिस हो गई और स्टंप पर लगकर वो आउट हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए। 25 पर दो विकेट, चौथा ओवर चल रहा है। आर्यन बॉल डालने की तैयारी में, पहली बॉल आर्यन ने पहली वाइट बॉल डाली इस ओवर में। 26 रन पर दो विकेट, क्रेडेंसन हाई स्कूल 26-2। आर्यन दौड़कर आ रहे हैं बॉलिंग डालने के लिए। ऑफ स्टंप पर बॉल, बीट हो गए, विकेट कीपर ने कलेक्ट कर लिया बॉल को और कोई रन नहीं। आर्यन ने फिर बॉलिंग डाली ऑफ स्टंप पर और अंपायर का इशारा नो बॉल, बैट्समैन ने उसे ऑफ पर खेल लिया, बेस फील्डिंग हो गई और बॉल फिर से उठे और दौड़कर फिर बॉल को बाउंड्री लाइन के अंदर ही कलेक्ट कर लिया। और इस बीच बैट्समैन ने और फ्री हिट, स्कोर हो गया 29-2। क्रेडेंसन हाई स्कूल का स्कोर 29-2। क्लीन बोल्ड एम यॉर्कर, और नो बॉल थी इसलिए वो बच गए। इट वॉज अ फ्री हिट, नो बॉल की वजह से बच गए, अन्ना ये भी उनका तीसरा विकेट होता। आर्यन अच्छे बॉलिंग डाल रहे हैं, अच्छी बॉल थी ये, बीट हो गए और बॉल स्टंप को लग गई, कंप्लीटली बोल्ड। आर्यन भागते हुए बॉलिंग डालने के लिए आ रहे हैं, बॉलिंग उन्होंने ऑफ स्टंप की ओर से, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल, काफी बाहर गई ऑफ स्टंप के। टोटल इस वक्त स्कोर क्रेडेंस हाई स्कूल का टोटल स्कोर 34-2। आर्यन ने फिर बॉलिंग चली ऑफ स्टंप में, इन्होंने घुमा दिया लेग स्टंप की ओर और बैट्समैन जा रहे हैं, एक रन उन्होंने ले लिया, एक ही रन उन्हें मिलेगा इस वक्त। दो विकेट खोकर 31 रन, क्रेडेंस हाई स्कूल 31-2। आर्यन बॉलिंग डाल रहे हैं, अच्छी बॉल एंड गो, बेस कैच हो जाती लेकिन पहुंच नहीं पाए बॉल की तरफ, अदरवाइज ये कॉट एंड बॉल हो जाते। ओवर की समाप्ति, चौथा ओवर समाप्त,
और स्कोर 31 पर 2 विकेट। Rafi's come back to bowl. Dandim is going to strike, take the strike. Oh, baj gaye. Offside pe ball thi, pad pe lagi. Lekin there was no appeal. So no run. रफी बॉलिंग डाल रहे हैं ऑफ स्टंप पर उन्होंने ऊपर उठा दिया और मेरे ख्याल से ये कैच और डेनियम इज कॉट आउट हो गए तीसरा विकेट गिरा क्रेडेंस स्कूल का ये तीसरा विकेट डेनियम अपना विकेट खो चुके माने जा रहे थे जोर से लेकिन इतनी तेजी से बॉल उठी नहीं ऊपर चली गई और स्ट्रेट फील्डर के हाथ में तीसरा विकेट गिरा कैडेसन हाई स्कूल का 33 पर 3 33 रन्स एंड 3 विकेट डाउन पृथ्वी सिंह बैटिंग के लिए आगे हैं नए बैट्समैन रफे ने बॉल फेंकी लेग स्टंप के बाहर से निकल गई और अंपायर का इशारा नो बॉल वाइट बॉल सॉरी वाइट बॉल 34-43 पांचवा ओवर चल रहा है रफे बॉलिंग के लिए तैयार बॉलिंग डाली उन्होंने फिर लेग स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा वाइड रफी का यह दूसरा वाइड बॉल अगर ये भी नो ये बॉल भी अगर वाइड हुआ तो मेरे हिसाब से वो हैट्रिक नो बॉल वाइड बॉल होगा रफी बॉलिंग डाली उन्होंने मिडिल स्टंप पे एंड इज कॉट कॉट एंड बोल पृथ्वी इज आउट कॉट एंड बोल चौथी विकेट कैडेसन्स हाई स्कूल की ये चौथी विकेट गिरी आए हैं डेनियम की जगह रफे बॉलिंग डालेंगे एंड शॉन उनका सामना करेंगे रफे ने बॉलिंग डाली और ऑफ स्टंप लेग स्टंप के बाहर बॉल और अंपायर का इशारा वाइड
रफे बॉलिंग डाली निकले थे यार, बॉलिंग डाली उन्होंने, अगेन वाइड बॉल लेग स्टंप के फिर बाहर। क्रेडेंस हाई स्कूल का स्कोर 37/4। पांचवा ओवर चल रहा है। ओ ऑफ साइड में उन्होंने बॉल डाली और बैट्समैन ऑफ में आकर उसे खेलने की कोशिश की लेग पर, लेकिन कोई रन नहीं। रफे फिर अपनी जगह पर जा रहे हैं बॉलिंग डालने के लिए। शॉन सामना करने के लिए तैयार। रफे ने बॉलिंग डाली और उन्होंने उठा दिया ऊपर। देखना है कि उन्होंने कैच पकड़ लिया कि नहीं। यस, इट्स अगेन कॉट एंड बोल। शॉन इज आउट। गलत शॉट, बीच स्टंप पे बॉल और इन्होंने ऊपर उठा दिया। एच पे लगी बॉल और रफे ने उसे विवेक इज अ न्यू बैट्समैन फॉर ए बॉल ऑफ जंप पे। ओ थोड़ा सा आगे गिर गया रोमन के आगे, बॉल उठी अदरवाइज ये भी कैच हो जाता। ओवर की समाप्ति, पांच ओवर में 37 और पांच विकेट, 37 रन पांच विकेट पांच ओवर में। कप्तान फरहान और विवेक दोनों विकेट पर खड़े हैं। अच्छी बॉलिंग कोशिश की उसे प्लेस करने की, बीट हो गए और विकेट कीपर ने बॉल को कलेक्ट कर लिया। को शॉर्ट पिच ऑफ से निकल गई बाहर स्टंप के और अंपायर ने उसे वाइड करार कर दिया। एक रन और जुड़ गया क्रेडेंस हाई स्कूल के टोटल में 38/5। छठा ओवर, अनीश बॉलिंग डालने के लिए तैयार। शॉर्ट पिच एकदम, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर से निकल गई। कोई रन नहीं। विवेक, अनीश एम्पायर ने रोक दिया बॉलर को क्योंकि विकेट कीपर तैयार नहीं है। अनीश बॉलिंग के लिए तैयार।
अच्छी बॉलिंग, लेग पर पैर पर लगी और कोई रन नहीं। 38-4-5 छठा ओवर, 5 विकेट और 38 रन। अनीश ने बॉलिंग फेंक की मिडिल स्टंप पे, उन्होंने कोशिश की मारने की लेकिन बॉल स्टंप के ऊपर से निकल गई, विकेट कीपर ने उसे कलेक्ट कर लिया और कोई रन नहीं। अनीश बॉलिंग फेंक रहे हैं विवेक को, ओ विवेक के कोई फुटवर्क नहीं है, एक ही जगह खड़े होकर खेलने की कोशिश करते हैं इसलिए वो बीट हो जाते हैं। उसे अपने पैर को, पैर की मूवमेंट को रखना है क्योंकि एक ही जगह दोनों पैर खड़े रखकर खेलते हैं। अनीश विवेक को आउटसाइड से बॉल चली गई बाहर और एम्पायर का इशारा नो वाइड। 39-4-5 छठा ओवर चल रहा है, स्कोर 38-4-5 38 पर 5। अनीश बॉलिंग फेंकने के लिए तैयार, अच्छी बॉलिंग खेलने की कोशिश की लेकिन बॉल बल्ले पर लगी नहीं और विकेट कीपर के हाथ में। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर खत्म, छठा ओवर ये खत्म हो गया, स्कोर इनका हो गया 39-4-5 इन 6 ओवर। Largest healthcare chain in the Gulf and growing in India, Asta DM Healthcare. We'll treat you well. Winchester ने टारगेट रखा हुआ है 295 का और क्रेडेंस हाई स्कूल ने अब तक 39 स्कोर किया हुआ है जिसमें उन्होंने 5 विकेट खो दिया। 39 रन, 5 विकेट, 6 ओवर की समाप्ति पर। निकालने के लिए बैटिंग कर रहे विवेक, फरहान विवेक के पास जाकर कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं। नहीं, आपने कि मेरे ख्याल से फरहान बैटिंग करने गए और विवेक नॉन स्ट्राइकर पर आ गए, शायद कैप्टन ने उन्होंने करेक्ट किया कि फरहान विल बी ऑन द बैटिंग। और साथ की बॉलिंग, फरहान लेग से डाल दी और वाइट और बॉलर ने मिस फील्ड की और ये बॉल सीधे 4 रन के लिए, 1 वाइड और 4 यानी टोटल 5 रन। टोटल इस समय 46-5। साद फरहान को फुल टॉस ऑफ स्टंप में दे दी, बल्ले पर गेंद लगी नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। 7 फिर अपने मार्क पर, अपने चिन पर जहां से वो दौड़ेंगे। 7 बॉलिंग डालने के लिए दौड़ रहे हैं, बॉल उन्होंने फेंकी लेग स्टंप पर, बॉल चली गई और कोई रन नहीं।
Saad Farhan ko bowling dal rahe hain. Off-stump mein ball miss ho gayi ball. Balle se gend lagi nahi. Seedhe wicket keeper ke haath pe koi run nahi. दो सौ पचानवे का टारगेट 46 रन कैडिसन स्कूल का. साथ ने ऑफ में बॉल डाली स्टंप के बहुत से दूर से चली गई और एम्पायर का इशारा वाइड. इस बीच बैट्समैन ने एक रन ले लिया. साथ फिर अपने चिन पर आ रहे बॉलिंग डालने के लिए. अच्छी बॉलिंग एक रन और ले लिया उन्होंने. अच्छी बॉलिंग ऑफ साइड पर लेकिन मिस हो गई कीपर के हाथ में और इसके साथ ओवर का इशारा अंपायर की तरफ से. और साथ में उनके विवेक है. उन्होंने 295 का टारगेट जेम्स विंचेस्टर ने उनके सामने रखा है. फुल टॉस बॉलिंग विवेक को उन्होंने डिफेंस करके रिप्लेस कर दिया. कोई रन नहीं. आर्यन बॉलिंग डालने के लिए तैयार. विवेक सामना करेंगे. लेग स्टंप के बाहर से बॉल चली गई. कीपर के हाथ में नहीं आई. फील्डर से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और बाउंड्री लाइन के अंदर ही उन्होंने रोक दिया उसे. इस बीच बैट्समैन ने दो रन ले लिया और एम्पायर ने वाइड का इशारा करार कर दिया. टोटल इस वक्त 52 रन फॉर 5 विकेट. क्रेडेंस हाई स्कूल का स्कोर 52 रन 5 विकेट खोकर. ओ क्लीन बॉल यॉर्कर मिडिल स्टंप पर चूक गए. विवेक खेल नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए. छठा विकेट 52 रन पर उनका छठा विकेट गिरा और वापस पेवलियन पे आ रहे हैं विवेक. अच्छी बॉलिंग डाली स्ट्रेट यॉर्कर मिडिल स्टंप पर और क्लीन बोल्ड हो गए विवेक. उनकी जगह पर आए हैं राघव लेफ्ट हैंड बैट्समैन. अच्छी बॉल और उन्होंने कनेक्ट कर लिया लेकिन पैड पर लगी और बॉल स्ट्रेट फील्डर के हाथ में. नो रन. कोई रन नहीं. 52 पर 6
52 ரன் பர் 6 விக்கெட். आर्यन के बॉलिंग और जस्ट बीट हो गए, कोई रन नहीं. अच्छी मैच, अच्छा नज़ारा. और अब हम चलते हैं हमारे पार्टनर एस्टर जो स्पॉन्सर्स हैं, और यहाँ पर डॉक्टर भी बैठे हुए हैं. वालेकुम सलाम, आप इस तरफ आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा. उस तरफ कैमरा है, उस तरफ देखिए और मैं आपसे कुछ बातें करूँगा. आप एस्टर की तरफ से ऐसे डॉक्टर आए हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट देख कर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त चल रहा है. कल से बींग अ पार्टनर बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे. मेरे साथ कोलीग्स भी थे जो अभी चले गए, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. ऐसे टूर्नामेंट्स यूथ के लिए बहुत अच्छे हैं, और यूथ को हौसला मिलते हैं उनकी, बिसाइड स्टडीज़ उनको मोटिवेशन मिलते हैं और स्पिरिट आती है यूथ में. और इस एज में definitely utilize this kind of facilities and opportunities, and the management is also very cooperative, and they guide them very well, especially the coach of the schools and teams. ये बहुत अच्छी बात है कि काफी स्कूलों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया. 28 स्कूल्स यहाँ पर हैं जो बिना फीस के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के हमने ये टूर्नामेंट रखा है. और ये टूर्नामेंट आपको पता होगा रॉबिन सिंह ने रखा हुआ है, जो हिंदुस्तान के लिए खेल चुके हैं इंटरनेशनली, और अंडर 19 इंडियन टीम्स के भी कोच रहे हैं, और फिलहाल वो मुंबई इंडियंस के भी कोच हैं. तो आपको थोड़ा सा गर्व नहीं होता है? यू डोंट फील प्राउड दैट कि यू आर अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट एलाइट स्कूल क्रिकेट लीग, जिसमें रॉबिन सिंह भी मौजूद है और उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है? Yeah, definitely, of course. I enjoy and I feel proud being a part of this tournament. Not like directly, but indirectly we are part of this tournament. And I know Robin Singh, like in childhood he was like star of beside the Pakistani cricket team. I also very much fan of Indian sportsmen like Sachin, Virat, and Robin Singh was a legend, and I appreciate his efforts, he's motivating the players and providing opportunities, in the kind of his coaching and providing this platform for the young generation to give them opportunities, and definitely it will help the young generation. And I really appreciate the efforts of all the people arranging this tournament. Even Esther was a big partner of this tournament, and we are doing our best to provide our help whenever they need it. And being a part of medical team, we are here to provide the first aid and the basic first aid services to the players who got injuries, or if it is serious, the kind of injury sometime we have to refer him to the concerned clinic and hospital. Yeah,
So it's very nice. So I'm happy that you are appreciating this tournament and effort of Mr. Robin Singh, who has done. And we are going to do every year this tournament. And I wish that ki Aster will be with us for a long run and long lasting relation with us and being a partner and sponsor for our this league. Thank you very much. Sir, inshallah, I hope we will move ahead. Not only in this tournament, and inshallah, whenever you people need our help, we will be there on every platform. And I really appreciate all the efforts of Robin Singh and his management and all the co-partner of this organization and this tournament's organizers. Thank you. Thank you very much, Doctor. And it was nice hearing you and supporting to us. And we wish all the best for all of us. Thank you very much. अब हम आपको ऐसे शख्स से मिलाना चाहते हैं जो सबसे पहले मैं शहजाद अल्ताफ को आपसे मिलाऊं. इस तरफ आ जाइए शहजाद अल्ताफ, आप इस तरफ आ जाइएगा. शहजाद अल्ताफ को मैं 25 साल से जानता हूं यूएई में, और इन्होंने अच्छे अच्छे अपने कोचिंग से लड़कों को यूएई टीम से खिलवाया है. और मैं आपको ये भी बता दूँ, 1996 में जब यूएई क्वालिफाइड हुए फॉर वर्ल्ड कप, और पहली बार जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए यूएई टीम गई थी, उसमें शहजाद साहब भी मौजूद थे. और इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया वर्ल्ड कप में, 10 ओवर में इन्होंने 15 रन दिए और एक विकेट लिया. ये सबसे और ये रिकॉर्ड रहा. और ये 3-4 साल के बाद मेरे ख्याल से मैकग्राथ ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी. बिल्कुल, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में उसने ये रिकॉर्ड तोड़ा 99 में. हाँ जी, 99 में मैकग्राथ ने इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बॉलिंग में तोड़ा था. मैं ये पूछना चाहता हूँ शहजाद जी, आप इस ग्राउंड से कनेक्टेड हैं और ठाकुर साहब इस ग्राउंड के मालिक हैं, ओनर हैं. आप मुझे बताइए, आपने काफ़ी टूर्नामेंट किया है, आपने गल्फ के भी टूर्नामेंट किए, नेशन टूर्नामेंट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से 25 साल से मैं आपको देख रहा हूँ, काफ़ी टूर्नामेंट कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं. आपको ये टूर्नामेंट जो रॉबिन सिंह ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, और आपके ही ग्राउंड में हम एकेडमी भी चला रहे हैं, जहाँ पे हमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मिले हैं, 20-22 बच्चे मिले हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं रॉबिन सिंह के एकेडमी के बारे में और इस टूर्नामेंट के बारे में जो रॉबिन सिंह ने यहाँ पर आपके ग्राउंड पर किया? ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट किया रॉबिन ने. मेरा ख्याल ऐसे टूर्नामेंट हमेशा होते रहने चाहिए. जो ये उसने टूर्नामेंट किया, मैंने ऐसे टूर्नामेंट बहुत कम देखे जैसे उसने ये ऑर्गेनाइज़ किया. पूरे अंपायर्स लाइव दिखा रहे हैं. मैंने ऐसे पहले टूर्नामेंट कभी, इवन हमने भी बहुत से टूर्नामेंट किया, हमने ऐसा टूर्नामेंट हमने भी नहीं किया. तो मैं बहुत दुआ करता हूँ कि इसका टूर्नामेंट अच्छा जाए और उसकी एकेडमी यहाँ पर अच्छी जाए, और हमारी तरफ से जो भी उसको कुछ हेल्प चाहिए तो वी आर रेडी टू गिव टू हेल्प टू हिम. थैंक यू वेरी मच शहजाद जी. लेकिन मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ कि रॉबिन सिंह अब यूएई में सेटल हो गए हैं, उन्होंने यहाँ पे घर भी लिया, यहीं पे रह रहे हैं, और यहाँ पे वो बच्चों को ट्रेनिंग कर रहे हैं. और इस टूर्नामेंट में आपको पता है कि हम 15 बच्चे सेलेक्ट करेंगे और उन्हें हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग देंगे, और उनमें से कुछ बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे जो इंडिया में मुंबई इंडियंस, जब अप्रैल में शुरू होगा आईपीएल, तो मुंबई इंडियंस के मैचेस उनको दिखाएंगे. और प्लस उन बच्चों को हम उन सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स लाइक पोलार्ड, रोहित शर्मा और हार्दिक पटेल, इन सब के साथ उनको खिलवाएंगे, वो बॉलिंग करेंगे या उनसे बातचीत करेंगे. तो आपको ये कैसा लगता है कि इस यूएई में बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी यानी इन बच्चों को यहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी जो रॉबिन सिंह जो इंटरनेशनली ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो उनके पास श्रीलंका इंडियंस से कोच आए हुए हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इन बच्चों को?
इन बच्चों को यही होगा मेहनत करें जैसे ये रोबन सिंह कर रहा है, अगर ये रोबन सिंह खुद करता रहेगा तो ये इसकी एकेडमी वहाँ यहाँ पर बहुत अच्छी जाएगी। अगर इसने थोड़ा सा भी अपना फोकस यहाँ से हटा दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा एकेडमी को, उसको खुद इधर रहना चाहिए। और बच्चों को भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैं रोबिन के अगेंस्ट भी खेल रहा हूँ, रोबिन को अच्छी तरह मैंने देखा जैसे वो मेहनत करता है, अगर ये ऐसे मेहनत करता रहा तो एक दिन इस ग्राउंड में सबसे बड़ी एकेडमी होगी। थैंक यू वेरी मच शहजाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ठाकुर साहब से थोड़ी बात गुफ्तगू करना चाहता हूँ, क्योंकि ठाकुर साहब इस ग्राउंड के ओनर हैं और बहुत अच्छा सा ग्रीनरी ग्रास यहाँ पर आउटफील्ड है और टर्फ विकेट, इन्होंने मेरे ख्याल से 4 टर्फ विकेट हैं इसमें और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये ग्राउंड बनाने का, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है जो शिपिंग बोट्स इनके इंटीरियर की कंपनी है इनकी और अच्छा बिजनेस भी चल रहा है इनका, तो ये क्रिकेट के बारे में इतना जानते नहीं थे लेकिन थोड़े थोड़े क्रिकेट के बारे में जानते हैं, तो ये आपको कैसा आइडिया आया कि मैं ग्राउंड बनाऊं और यहाँ पे मैचेस कराऊं? ये बिकॉज ऑफ सजाद सर ओनली, कि उनकी वजह से ये सब बना है और इनको मैं मिला तो उसके बाद में मुझे भी ये फीलिंग हुई कि मुझे भी कुछ करना चाहिए क्रिकेट के बारे में। सो ओनली दिस ऑल क्रेडिट्स टू सजाद सर ओनली गोइंग फॉर मेकिंग दिस ग्राउंड्स। वेरी गुड। इस एक मिनट में शहजाद इनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए शहजाद जी। ये हमारा ग्राउंड था इससे पहले धर्म क्रिकेट ग्राउंड, जो यहाँ पे ठाकुर साहब अपने बच्चे को लेके आते थे हमारे पास खेलने के लिए, तो इन्होंने देखा वो ग्राउंड टूट गया है तो इन्होंने चाहा कि, तो मैं बहुत अपसेट था उस वक्त, तो इन्होंने बोला नहीं शहजाद मैं ग्राउंड बनाता हूँ, आप मेरे साथ काम करना। और उस दिन से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब ठाकुर साहब की वजह है कि उन्होंने इतना हेल्प किया, ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर और शहजाद अल्ताफ, दोनों ने मिलकर इस क्रिकेट को संवारा, इस ग्राउंड को संवारा है और मैं चाहता हूं हमेशा कि आप इसी तरह क्रिकेट के लिए आगे बढ़ें और बच्चों के लिए क्रिकेट की इस तरह और ग्राउंडें बनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।
टच ना कर अभी क्या आउट हो गया भाई गेम ओवर नैना कैमरा खरीद लिया एक मिनट कट कर रहा हूँ मैं साइज आ रहा हूँ वहाँ की नैना तो फ्री है कैमरा अपना रिपेयर कर लिया अगर खरीद लिया कैमरा टेबल समय
So which school are you from? Okay, and how did you like the tournament? The tournament was amazing. Okay, so how was the match? Tell us a little bit about the match. The match was amazing. Roman, our captain, scored 70. And then Akram, he scored 47. I mean, it was amazing. Our bowlers also played really well. Some took three. Almost all the bowlers took all wickets. Okay, very nice. And I hope you like the live streaming facility. Will you all go and watch it at home? Of course, surely. Okay. Thank you so much for being here. Thank you so much for giving us a chance. Is it okay? Okay, guys. No, after. Okay, a small one, come in front. Okay. Captain, center. Captain, come in the center. Okay, can you all please come a little bit? Guys, Vincent, sir. Okay, listen. So, listen, you talk. Introduce your school. Say which school you're from. Look over there. Hello, we are from Credence High School, Dubai. This is the first tournament in Indy School. And all are under 14, even me. So this live streaming facility is really good. And this is a great chance for us. And I think everybody of us give 120% in the game. It's hard luck for us. It's not a good day for us. I think you're the youngest team in the tournament. So congratulations, you played well. No problem. And I think we tried, we gave 120%. Some misfields and catches were dropped. It's okay, we gave 100%. This is the first game as well as in the stitch ball. That's all. Okay. Thank you so much.
Ladies and gentlemen, welcome to Robin Singh Sports Academy Elite School Leagues 2018. बड़ी खुशी का नजारा है. दो टीम यहाँ पर है, कैडिसन हाई स्कूल्स एंड जेम्स विंचेस्टर. विंचेस्टर हैज मेड 294 एंड इनको उनका टारगेट अचीव करना था, बट अनफॉर्चुनेटली नो प्रॉब्लम, इट्स अ क्रिकेट. नेक्स्ट टाइम यू ट्राई योर बेस्ट एंड कम बैक अगेन टू द प्ले. नाउ लेट मी कॉल, आई विल इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट हु इज गोइंग टू गिव अ मैन ऑफ द मैच इज मिस्टर राजेश, हु इज द डायरेक्टर ऑफ अल नजा कंपनी. फर्स्ट लेट मी टाइटल स्पॉन्सर्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें सपोर्ट करके आप लोगों को यहाँ खेलने का मौका दिया. टाइटल स्पॉन्सर इज ट्रांस वर्ल्ड ग्रुप एंड एस्टर मेडिकल. को स्पॉन्सर कोल्ड स्टोन, एसबारो एंड क्रिस्टल आर्क. रेडियो पार्टनर तमीज FM 89.4. बेवरेज पार्टनर अल रवाबी. आइए मैं सबसे पहले लूजिंग कैप्टन को बुलाना चाहता हूं, मिस्टर फरहान. राइट मिस्टर फरहान, वेल प्लेड, अच्छी कोशिश, अच्छा नज़ारा है आप लोग बच्चों को देखकर. इस ड्रेस में अच्छे लग रहे हैं एंड छोटे कद के हैं, छोटे उम्र के हैं, लेकिन हौसला बहुत बड़ा है. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू किड्स. यू एटलीस्ट केम प्लेइंग फर्स्ट टाइम एंड आपने अपना वो जोश और वो एनर्जी जो यहाँ पर दिखाई है उसके लिए हम बहुत खुश हैं और आभारी हैं. फरहान, हार जीत तो हमेशा होती है, अगर एक हारेगा नहीं तो वो जीतेगा कैसे. लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आप लोग ने बहुत कोशिश की और अच्छी खेल खेली. तो आप क्या कहना चाहते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में और अपने हार के बारे में? I would say everybody is under 14, including me. I think they have given their 120%. Everybody have played well. I'm grateful to my school as well as the tournament for giving me chance. And it's okay, better luck next time. We are playing versus under 17 boys. And this was our first tournament as well as in stitch. We missed catches as well as missed fielding. It's okay, next time we'll do it. I think they are satisfied with it. No problem. It's a good experience for you all. You may always remember, हर गलती के करने के बाद ही आप उसे सही कर पाते हैं. लेकिन मुझे एक छोटी सी बात आपसे पूछना है, क्योंकि आप छोटे हैं. मेरे ख्याल से आपके उम्र में वो शख्स जो बहुत ही लीजेंड बन गया क्रिकेट वर्ल्ड में और जिसने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, मिस्टर रॉबिन सिंह, शायद आपने मुंबई इंडियन में उनको देखा होगा कोचिंग करते हुए और यहाँ भी वो कोचिंग करते हैं. आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में, ये टूर्नामेंट जो उन्होंने क्या क्या, आप उनको थैंक्स करना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं उनको, रॉबिन सिंह को? मेरे ख्याल से वो शायद लाइव देख रहे होंगे, तो यू कैन टेल हिम समथिंग. वी आर ग्रेटफुल. दिस टूर्नामेंट इज रियली गुड, अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बिगिनर्स एज वेल एज यंगस्टर्स. थैंक यू. थैंक यू सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लाइव स्ट्रीमिंग. आई थिंक 1600 पीपल आर वॉचिंग एंड इंक्लूडिंग MS धोनी. दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस. And it's good. Thank you, sir, for conducting this much good tournament. Thank you very much, Farhan. So now I'll call the winning captain. Aiyah, aiyah, please, aiyah. Congratulations for winning the tournament. This game, I mean to say, and अच्छी batting का नजारा देखा, bowling की भी अच्छी नजारा देखा. ठीक है, miss feel हो जाती यहाँ वहाँ. बट हम मुबारकबाद करना चाहते हैं आपको कि आप जीते इस गेम को और नेक्स्ट राउंड में चले गए. मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि रॉबिन सिंह के बारे में, या वो अभी इस वक्त देख रहे होंगे जो इन्होंने टीम ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो बच्चों के लिए ताकि उनको आगे क्रिकेट का मौका मिले खेलने का, हाई परफॉर्मेंस कोचिंग करने का, उनको आप लोगों को सीखने का मौका मिले, तो व्हाट यू वांट टू से हिम? यू वांट टू से हिम थैंक्स और व्हाट यू वांट टू से अबाउट हिम? First of all, talking about my team, they did really well today.
and Robin sir for this opportunity that he gave us. I'm really thankful to him. We got a chance to show our talent and whatever we did, our bowlers and our batsmen. And if we get to play more further with him, that would be really good. Thank you. Very good. And give him a big clap. His captainship was very good. And he took his team to win this game. Thank you very much. Now, let me call a person who was a blaster in this game, who made 70 runs in 39 balls and hit 9 fours. He is none other than Roman. Please come, the captain. Oh, you are Roman. Please come and take the Man of the Match trophy from... 1 minute. Would you like to say something for the teams, Mr. Rakhi? Okay, yeah. So, actually, I was working for the company where, this school is coming from, which is the same company as GEMS Education where I used to work. So, congratulations. Thank you very much. So, I was part of the team which was the founding, a team of that school. So, congratulations. It's good to see the school coming up and, winning the tournament. So, thank you. Thank you for making it here. And special thank you to Credence High School. Such a small kids, but they're coming here, though they're under 13, under 14 kids, but still they're fighting with the much bigger kids than, their age. So, congratulations. I think you have a lot of fighting spirit. I think with a little bit of practice and training, I think you can beat under 17 or even bigger kids. So, keep up the good work and, congratulations. So, thank you very much, both teams. And see you in the next round. All the best. And do practice, do well. Thank you. Thank you very much.